सो यदि आप इंस्टाग्राम के यूजर हैं, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डेली यूज करते हैं और डेली यूज करने के बावजूद आपके अकाउंट में कुछ एक दिन ऐसा एरर दिखाई देता है और वहाँ पे लिखा होता है देयर वाज अकाउंट इज कॉम्प्रोमाइज, ये क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से आती है? मैं आपको बता दूँ, अगर तुम अपने अकाउंट के अंदर ज़्यादा फॉलोअर बढ़ा लेते हो और हद से ज़्यादा फॉलोइंग घटा लेते हो तो ये एक्टिविटी ऐसे होने के कारण आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि आपकी अनयूजुअल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए इंस्टाग्राम 2 से 3 दिन के लिए आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है और आपसे बोलता है कि अपना न्यू पासवर्ड डाल के पेज को रिफ्रेश कीजिए। पेज को रिफ्रेश करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो खुल जाएगा। इस कंडीशन में अक्सर होता क्या है, वहाँ ऑप्शन आता है न्यू पासवर्ड डालने का, ओल्ड पासवर्ड डालने का और कन्फर्म पासवर्ड डालने का। जिनको ओल्ड पासवर्ड पता है वो तो अपनी आईडी को खोल लेते हैं, लेकिन जिनको पुराना पासवर्ड पता नहीं होता नीचे फॉरगेट पासवर्ड आता है और फॉरगेट पासवर्ड आपसे होता नहीं है और वो जो साइड है वो कहीं और खुलती है और आपको जो एरर दिखाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, 2 से 3 मिनट की वीडियो होने वाली है। अगर ज़्यादा टाइम लग भी जाता है तो माफ करना, क्योंकि वीडियो में मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा। आपका जब टाइम वेस्ट नहीं करते तो चलती मोबाइल की होम स्क्रीन पर। सो फाइनली गाइज, मैं अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आपको अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ जाना है। आ जाने के बाद अपना जो इंस्टा एप्लीकेशन वो आपको सिंपल ओपन कर लेना है। जैसे कि गाइज मैंने ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा इंटरफेस मिलेगा। जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करने के बाद वही एरर आ जाएगा फिर से, जैसे पहले एरर आ चुका था। तो देख सकते हैं मेरा एरर आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और कुछ इस तरीके से आपको अपना स्क्रीन के ऊपर एरर दिखेगा, यहाँ लिख रहा होगा आपको योर वाज अकाउंट, मतलब योर अकाउंट वाज कॉम्प्रोमाइज, आपका जो अकाउंट है वो गलत एक्टिविटी के कारण कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। जब तक आप इसको चेंज पासवर्ड नहीं कर देते और न्यू पासवर्ड डाल के इसको रिफ्रेश नहीं कर देते पेज को, जब तक ये ओपन नहीं होगा। इसमें साफ साफ इसमें की जो टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है आप पढ़ लेना उनको, अगर नहीं पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा चेंज पासवर्ड का। जैसे आप चेंज पासवर्ड क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पर लेकर आ जाएगा इसको। आने के बाद इसको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा चेंज योर पासवर्ड टू सिक्योर योर अकाउंट, ठीक है। नीचे आपको लिखा हुआ है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन किस लिए गया है, अपडेट योर पासवर्ड टू कीप योर अकाउंट सेफ विल बी लॉगर आउट सीजन एक्सपर्ट इन दिस वन एनिमल ट्राई एंड गेट, कुछ इस तरीके से आपको इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है आपको नीचे क्या डालना है, ओल्ड पासवर्ड डाल देना है। यदि आपको ध्यान है अपना पुराना वाला पासवर्ड तो ओल्ड पासवर्ड डाल देना, उसके बाद न्यू पासवर्ड डालना है इधर और कन्फर्म पासवर्ड डाल के कंटिन्यू कर देना, तो आईडी खुल जाएगी अगर तुमको ओल्ड पासवर्ड ध्यान है। और गाइज बात वहाँ पर अटकती है कि अगर आपको ओल्ड पासवर्ड अपना इंस्टाग्राम का ध्यान नहीं है तो उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड का। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चला जाएगा जहाँ आपसे पूछेगा टर्बल लॉगिन इन, इसमें बोल रहा है कि एंटर योर ईमेल, या तो अपना ईमेल डालिए, फ़ोन नंबर या अपना मोबाइल नंबर डालिए और यूजर नेम एंड विल, अगर आपको मोबाइल नंबर या ईमेल याद नहीं है जो आपको इंस्टाग्राम यूजर नेम है वो डाल सकते हैं, एंड यू सेंड लिंक ए बैक इनटू योर अकाउंट, और उधर पे मतलब इसमें बोल रहा है या तो आपके नंबर पे लिंक सेंड किया जाएगा या आपके यूजर नंबर पे या आपकी जीमेल पे एक लिंक सेंड होगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और जो लिंक है वो आपको क्रोम के अंदर खोल देगा। तो गाइस जैसे मैं अपना नंबर डालता हूँ इसके अंदर, देख सकते हैं नंबर डालने के बाद कुछ इस तरीके से एरर आता है। जैसे मैंने नंबर डाल दिया और नंबर डालने के बाद नॉट यूजर फाउंड, कुछ इस तरीके से एरर आ रहा है, और अगर मैं ईमेल भी डालता हूँ तो इस तरीके से ही आता है, ठीक है। गाइस यहाँ बात अटकती है कि यहाँ से लोग आगे बढ़ नहीं पाते, इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा साइड का जो क्रोम के अंदर खुलेगी, आपको सिंपल क्रोम के अंदर वो खोल लेनी है और जो आगे मैं बताता हूँ वो आपको सेम करना है। सो गाइस चलते अपनी क्रोम के अंदर, वो साइड को ओपन कर लेते हैं हम। सो गाइस हमने जो साइड का लिंक है वो कॉपी कर ले लिया है, अब हम क्रोम के अंदर उसको खोल लेने हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको कॉपी करके आपको सिंपल पेस्ट कर देना है। तो गाइस मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जैसे देख सकते हैं मेरा कॉपी ऑलरेडी हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर चला जाएगा गाइस, जहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा खोलने के लिए। देख सकते हैं गाइस कुछ इस पेज पे आ चुका है, वही पेज है इंस्टाग्राम का, लेकिन इस पर डिफरेंस वो है कि ये आपको ऑफिशियल साइट के अंदर खोलना है, वो आपको एप्लीकेशन के अंदर खोल के देगा। इसमें क्या करना है, आपको जो अपना जो नंबर होता है वो आपको नंबर डाल देना है। तो गाइस मैं इसमें अपनी ईमेल डाल देता हूँ, तो मैंने कहा सिंपल उसमें ईमेल डाल दिए। ईमेल डालने के बाद आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा सेंड योर लिंक, ठीक है। ईमेल के अंदर एक लिंक क्रिएट होगा, मैं सेंड कर देता हूँ, जो मेरा लिंक है वो ईमेल के अंदर सेंड हो जाएगा। तो गाइस जो हमारा लिंक है वो सेंड हो चुका है ईमेल के अंदर, हम जो ईमेल है अपना वो ओपन करके देख लेते हैं हम। जैसे मैंने ईमेल के अंदर गाइज लिंक सेंड किया तो यहाँ ऑप्शन आ गया है कन्फर्म इज योर लॉगिन योर नोटिस अनयूजुअल एक्टिविटी फ्रॉम योर अकाउंट, मतलब आपके जो अकाउंट पर अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है उसके कारण हमने लॉक कर दिया गया, फॉलो द नेक्स्ट स्टेप विद इन 1 डेज सो वी कैन ट्राई टू गेट योर बैक इनटू योर अकाउंट बिफोर इट डिसेबल, कि आपका जो अकाउंट है वो 1 डे के लिए हमारा जो लॉक कर दिया गया था वो ओपन हो चुका, वो जो हो जाएगा। तो इसके लिए आपको आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पे लेकर चला जाएगा जहाँ आपको ऑप्शन मांगे जाएंगे। जैसे नेक्स्ट पे लेकर चला गया, यहाँ आपको ईमेल सेंड दिख रहा है, और यहाँ पे जो मेरा ईमेल है उस पे एक लिंक सेंड हुआ है विल बी सेंड योर ईमेल विद ए लॉगिन बैक टू योर अकाउंट, ओके कर देना हमको।
ओके करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर चला जाएगा जहाँ आपको ईमेल है, वहाँ पर आपको सिंपल क्लिक करना है। तो गाइस मैं अपनी जीमेल खोल लेता हूँ, देख सकते हैं मैंने अपना जीमेल खोल लिया है। और जीमेल खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे एक लिंक दिया है, उस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक इंस्टाग्राम का मैसेज आ चुका है, चौधरी मैगी 001। जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है रीसेट योर पासवर्ड लॉग इन एज चौधरी मैगी 001। तो गाइस मैं रीसेट पासवर्ड पर सिंपल क्लिक करता हूँ, आपको कुछ इस तरीका से ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। और जैसे रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे यहाँ पर ऑप्शन मांगे जाएगा कि इस पासवर्ड को रीसेट करने के लिए किस फंक्शन में तुम खोलना चाहते हो, तो आपको इंस्टा चूज कर लेना। इंस्टा चूज करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर, जैसे गाइज मैंने लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इंस्टा के अंदर ओपन हो चुके हैं, इंस्टा के अंदर अपना न्यू पासवर्ड डाल देना। तो गाइज मैं सिंपल न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड डाल देता हूँ उसके अंदर, आपको भी सेम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे सेम फॉलो करना है। सो फाइनली गाइज मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, इसके अंदर न्यू पासवर्ड भी डाल दिया और कन्फर्म पासवर्ड भी डाल दिया, और रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर देखना आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा। देख सकते हैं गाइज मेरी जो आईडी ओपन हो चुकी है सक्सेसफुली, और मैं आपको पेज को रिफ्रेश करके भी दिखा देख सकता हूँ, देख सकते हैं एक्टिव हो चुकी है मेरी आईडी। और मैं रिफ्रेश करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पहले जो रिफ्रेश करा था, रिफ्रेश करने के बाद मैं बैक आ चुका था उस पर हैजबाज कॉम्प्रोमाइज, जो आपको ऑप्शन मिल रहा था वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का, देख सकते हैं मेरी आईडी सक्सेसफुल लॉगिन हो चुकी है। तो आई होप गाइज जो मैंने आपको सिंपल बताया आपको एक से दो मिनट के अंदर ऐसे फॉलो करना है, और आपकी जो आईडी का जो पासवर्ड है जो आपको जो लॉगिन आ रहा था जो लॉक हो चुका था वो पेज, वो एक से दो मिनट के अंदर ओपन हो जाएगा। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो गाइज लाइक कर देना, आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब को दिख रहा होगा उसे प्रेस करके घंटी के नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना, ताकि आने वाले फ्यूचर टाइम को वीडियो अपलोड करते तो आपको नोटिफिकेशन समय पहले मिल जाए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।